हाय फ्रेंड, आईडीएसएफ क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कार्य और समय के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले दो पार्ट वीडियो बना दिए गए हैं। यदि आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों, आज हम मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन से ही लगाने का विधि बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमिति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं, इसमें सुमन का क्या भाग होगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। जो सुमन है वो कितने दिन में कर सकती है? 3 दिन में, ठीक है। और जो सुमिति है वो कितने दिन में कर सकती है? 2 दिन में, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर पूरा करती हैं और कितने रुपये है कुल? 150, ठीक है। कितना है कुल रुपये? 150। तो बताना है कि सुमन का भाग क्या होगा, यानी सुमन को कितने रुपये मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह के जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, पहले इसके कार्य क्षमता को निकाल लीजिए। तो कार्य क्षमता को हम बताएं कैसे निकाला जाता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। 3 से भाग करेंगे, 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। भाई, जितना जो काम करेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे ना। कोई ज़्यादा काम कर ले रहा हो तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और कोई कम काम कर रहा हो तो उसको कम पैसे मिलेंगे। अच्छा, देखो अब इनका हमें कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया है। तो अब देखो, ये सुमन का रेशियो कितना है, रेशियो मान लेंगे कितना है, 2 रेशियो, और सुमन की कार्य क्षमता कितनी है, 3 रेशियो। अब यही दोनों मिलकर, इन्हीं दोनों को मिलकर कितना रुपया मिला है, 150 मिला है कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 रेशियो 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 रेशियो। और 5 रेशियो किसके बराबर है भाई, 5 रेशियो 150 के बराबर है। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 5 × 3 = 15, यानी 1 रेशियो 30 के बराबर हो जाएगा कि नहीं भाई। इसको जोड़ेंगे तो 5 रेशियो 150 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशियो कितने बराबर होगा, 5 से काटेंगे, यानी 1 रेशियो 30 के बराबर हो गया। तो पूछा है सुमन को कितना रुपये मिलेगा, सुमन का रेशियो कितना है, 2 रेशियो है कि नहीं भाई। 1 रेशियो का मान 30 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 × 30, यानी 30 × 2 = 60, यानी सुमन को कितना रुपया मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और पहले पार्ट से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इसी कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके का धनराशि में सी का भाग होगा। भाई देखो, ठेका कितने के लिए हैं, ये लोग 4500 रुपये के लिए हैं। अब एक कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में। अब बी कितने दिन में करता है इसको, 12 दिन में, ठीक है। कितना करता है, 12 दिन में। आप यहाँ ध्यान से समझिए, कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा किया। भाई सी की सहायता से, यानी ए और बी मिलके ना, ए और बी और सी तीनों मिलके ना काम कर रहे हैं, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर सकते हैं, 4 दिन में, ठीक है। सिर्फ आप सी का लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है सी की सहायता से, यानी सी की सहायता से, यानी ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में, ठीक है। अब इसको कैसे लगाएंगे भाई, पहले क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता निकालने के लिए हम बताएं कि जो दिया है तीनों का, आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो 8 × 3 = 24, आई कितना हो जाएगा, बी का 12 × 2 = 24, इसका कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24। अच्छा देखो, ये बी ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 6, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और दो की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, यानी दो ए और बी की कार्य क्षमता मिलकर कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं, और तीनों की 6 है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं।
अरे देखो 3, 2, 5, 1, 6 यानी सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब पूछ रहा है कि सी का भाग कितना होगा। भाई 4500 रुपये में सी को कितना रुपया मिलेगा, हम बताए हैं जितना दिए रहे सारे रेशियो को जोड़ के इसके बराबर रख दो तो कितना रेशियो होगा, 3, 2, 5, 1, 6। इसको बोले थे कि इसमें मान लो रेशियो में मान लो, ठीक है, तो 3, 2, 5, 1 यानी 6, यानी 6 रेशियो किसके बराबर होगा 4500 के, ठीक है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, काट देते हैं 6×7=42, कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, और 6×5=30 यानी 1:750 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो पूछ रहा है सी को कितना मिलेगा, भाई सी का रेशियो कितना है, 1:1, तो 1:1 का मान कितना है 750, यानी भाई सी को कितना रुपया मिलेगा 4500 में से 750 रुपया, ठीक है। पहले क्या करना भाई, इसकी सबकी कार्य क्षमता निकाल देना, सबकी कार्य क्षमता को रेशियो मान के जोड़ के जितना रुपये दे उसके बराबर रख दो, उसके बाद 1:1 का मान निकाल लो, जितने पूछे उसका मान वहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट किए हैं तब देख रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, तो आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठीका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी है। भाई देखो कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, ए 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा भाई, 8 दिन में, बी 8 दिन में, और सी की सहायता से 3 दिन में पूरा कर लिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन हैं, 3 दिन, ठीक है। और कुल रुपये कितने ठीका लिए थे भाई, ये 3200, कितने लिए थे 3200, ठीक है। अब पूछ रहे हैं सी को कितनी धनराशि मिलेगा, भाई सी की कितनी धनराशि मिलेगा। पहले हम क्या करते हैं, इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 24, 6×6=24, 8×3=24, 3×8=24, ठीक है। अब देखो ए और बी की कार्य क्षमता 7 है, तीनों कितना है 8 है, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 4×3=7, और सी को मिलाओगे तब 8 हो जाएगा कि नहीं, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। भाई अब देखो इसको रेशियो लगा दो, ठीक है, 4×3=7=1=8, यानी 8 रेशियो किसके बराबर मानेंगे 3200 के, ठीक है, 8 से काट देंगे, 8×6=32, कितना आ जाएगा 4, यानी 1 रेशियो किसके बराबर हो गया 400 के, ठीक है। तो पूछ रहा है सी का भाग कितना होगा, भाई सी का मान कितना है 1:1, 1:1 का मान कितना है 400, यानी कितना हो जाएगा 400 रुपये। 3200 रुपये में से सी को कितना मिलेगा 400 रुपये, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अब आपको एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग होगा। भाई ये 15 दिन में कर सकता है, ये कितने दिन में, 15 दिन में, और बी 10 दिन में, बी 10 दिन में कर सकता है, और इन्होंने कितने ठेका लिया था 30,000 का, ठीक है। तो इसमें पूछा है ए का भाग होगा, भाई ए का भाग में पूछा है, तो पहले हमें इसके क्या पता चल जाए, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता के लिए बताएं इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 15×2=30 और 10×3=30, ठीक है। अब बोले हैं इसको क्या मान लेना, रेशियो के रूप में मान लेना, यानी 3×2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 30,000 के बराबर हो जाएगा। 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 5×6=30, यानी 6,000, 1 रेशियो का मान कितना आ गया 6,000 आ गया। तो ए का पूछा था ना, ए का रेशियो कितना है 2 रेशियो, तो 6×2=12,000, कितना आ जाएगा 12,000, ए को कितने रुपये मिलेंगे 12,000, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला, कौन सा हो जाएगा, चौथे वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन
तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो 1800 रुपये के मेहनताने में से अमर को कितनी राशि मिलेगा। भाई देखो कह रहा है, अमर किसी कार्य को 1/4 भाग को 3 दिन में करता है। देखो इसमें इस तरह क्वेश्चन लगाया जाता है, 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, ठीक है। तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा, इसका त्रिया गुणा कर देते हैं, यानी पूरा काम करने में कितना समय लगेगा इसको, 4 × 3 = 12 दिन लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 12 दिन में। आप इसको आगे से डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी अमर किसी कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है, 12 दिन, कितना ले रहा है, 12 दिन, ठीक है। और इसी तरह है शंकर उसी कार्य को 1/6 भाग को 4 दिन में, भाई 1/6 भाग को कितने दिन में कर रहा है वो, 4 दिन में। तो त्रिया गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24, यानी ये कौन था, शंकर। तो शंकर कितने दिन में काम करेगा, 6 × 24 दिन में, कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में, ठीक है। और इनको मेहनत कितने का मिल रहा है, 1800 रुपये का, कितना मिला है, 1800 रुपये मिला है भाई, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा, 12 × 24 और 24 × 1 = 24, ठीक है। अब बोले थे इसको रेशियो के रूप में मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 3 रेशियो, यानी 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1800 और 3 × 6 = 18, यानी 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 600 के, ठीक है। 1 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा, 600। तो करा अमर को कितनी राशि मिलेगी, भाई रेशियो का मान पता चल गया, तो अमर को कितनी मिलेगी, अमर की रेशियो कितना है, 2 रेशियो, तो 1 रेशियो 600 के बराबर, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 × 12, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है। यानी जो अमर को कितने रुपये मिलेंगे, 1200 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब इनका हमें अभी तो इनका कार्य क्षमता निकालना पड़ रहा था, अगर कार्य क्षमता रेशियो के रूप में दिया रहे तब आप कैसे लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी मिलकर 1800 रुपये मूल्य के एक कार्य को पूरा किया, ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5, 6, 4 के अनुपात में है तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। भाई देखो इसमें इनका दैनिक मजदूरी किसके रूप में है, 5, 6, 4, 5, 6 और 4, ठीक है। तो इसको रेशियो में चेंज कर लो, इसको रेशियो हो गया, तो 6, 5, 11 और 11, 4 कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 रेशियो। यहीं तो कुल मिलकर इनको कितना रुपया मिला है, 1800 रुपये मिला है, कितना मिला है, 1800 रुपये। तो पूछ रहा है ए को कितनी धनराशि मिलेगी, भाई ए को कितनी राशि मिलेगी, तो आर का मान निकल जाए, तो आर का मान कैसे निकालोगे, 15 से भाग कर दो, 15 × 1 = 15 कितना बचेगा इधर, 3, 30 हो जाएगा, और 15 × 2 = 30, ठीक है। यानी 1 रेशियो का मान कितना निकल गया, 120। ध्यान से आप समझिए, आर का मान कितना निकल गया, 120। तो पूछ रहा है ए को कितना मिलेगा, भाई ए का रेशियो कितना है, 5, तो क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120 × 5, ठीक है। और ये 12 × 5 कितना होगा, 60, और 1 0 लगा देंगे, यानी 600, ठीक है। तो ए को कितनी राशि मिलेगी, 600। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, दूसरा वाला। देखो इनके दैनिक मजदूरी रेशियो में दिया था, ठीक है, इसको रेशियो मान लेंगे, ठीक है, ये 5 रेशियो 6 रेशियो और 4 रेशियो, इनको जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 4, 15 रेशियो। यहीं तो कुल भाई कितना रुपये मिल रहा है, 1800, इन्हीं तो 15 आर के बराबर 1800 होगा। तो 1 रेशियो निकालने के लिए 15 से भाग देंगे, 120 आ जाएगा, यानी 1 रेशियो का मान 120 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी एक कार्य को 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने को दिया गया, ए अकेला उसे 15 दिनों में और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, साथ में सी की मदद से वे उसे 5 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार सी का हिस्सा कितना होगा। भाई इसी तरह पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो कह रहा भाई ए और बी कितनी ठीका लिए हैं, 1200 रुपये को, ठीक है, ये कितने दिन में काम कर लेगा, 15 दिन में, अभी 12 दिन में, ठीक है, ये 15 दिन में काम कर लेंगे, अभी 12 दिन में, सी की सहायता से 5 दिनों में, भाई सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए 5 दिन में कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60,
पंद्रह चौक साठ और बारह पच्चीस साठ, और जब पाँच से काटेंगे पाँच बार रहिए साठ, ठीक है भाई। अब देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है चार, बी की कितनी है पाँच यानी नौ, ए बी की कार्य क्षमता कितनी है नौ, और तीनों की कार्य क्षमता मिलकर कितनी है बारह, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है जो नौ बारह में से नौ घटा देंगे कितनी आ जाएगी तीन, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी पता चल गई तीन, ठीक है। तब इसे पूछा था, अब बताए थे सबसे पहले क्या करना है, इसको रेशियो में मान लो, ठीक है। अब जोड़ो कितना होगा पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, यानी बारह रेशियो किसके बराबर है बारह सौ के बराबर है, तो बारह से काटोगे कितना आ जाएगा सौ, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया सौ, ठीक है। तो इसमें सी का हिस्सा कितना होगा भाई, सी का हिस्सा कितना होगा जितना सी का रेशियो रहेगा, सी का रेशियो कितना है तीन, एक रेशियो का मान तीन है, तीन रेशियो का मान कितना हो जाएगा तीन सौ रुपये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहले वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।